दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना हर पर्वत आरोही का सपना होता है। वैसे तो हर साल सैकड़ों साहसी लोग एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो इसमें सफल हो पाते हैं। दुनिया के शीर्ष पर खड़ा होना और हिमालय के अजूबों को देखना एक रोमांचकारी अनुभव होता है। दरअसल यह पर्वत हिमालय का हिस्सा है, जिसे नेपाल में स्थानीय लोग सगरमाथा यानी स्वर्ग का शीर्ष के नाम से जानते हैं। तिब्बत में तो सदियों से यह चोमोलंगमा यानी पर्वत की रानी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं एवरेस्ट के बारे में कुछ और दिलचस्प तथ्य जो आपके होश उड़ा देंगे। क्या आप जानते हैं कि एवरेस्ट 60 मिलियन यानी 6 करोड़ साल से भी अधिक पुराना है? वैसे इतिहास की किताबों और विशेषज्ञों के अनुसार इस पर्वत का निर्माण तब हुआ था जब भारत की महाद्वीपीय प्लेट टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों का कहना है कि साल 2015 में आए भीषण भूकंप के बाद एवरेस्ट की ऊंचाई शायद बदल गई होगी, इसलिए विशेषज्ञ फिलहाल दुनिया के इस सबसे ऊंचे पहाड़ को फिर से मापने की कोशिश कर रहे हैं। एवरेस्ट की इस खोज सबसे पहले सर जॉर्ज एवरेस्ट ने साल 1841 में की थी। उन्होंने इसका नाम पीक 15 रखा था, लेकिन साल 1865 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इस पहाड़ का नाम बदलकर एवरेस्ट कर दिया गया था। दुनिया में इस अजूबे के बारे में एक और आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल बढ़ रही है। ऐसा टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने के कारण हो रहा है जो हिमालय को ऊपर की ओर धकेल रही है। अगर आपको लगता है कि एवरेस्ट पर चढ़ना सिर्फ शारीरिक रूप से मुश्किल काम है, तो आप इस पहाड़ पर चढ़ने की कीमत भी जरूर जान लीजिए। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने में लगभग 34 लाख रुपए का खर्चा आता है। आई होप यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।